उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। एक मदरसे में मौलवी साहब का बच्चों को डांटना उन्हें बहुत भारी पड़ा। बच्चे ने मौलवी साहब की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आप देखिए जरा कि बच्चा पहले कमरे से बाहर आता है, लगता है जैसे यहीं से उसने हथियार उठाया। बच्चा इसके बाद अंदर कमरे के जाता है और फिर चंद सेकंड के बाद वो गेट की तरफ भागता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके बाद घायल मौलवी साहब दिखाई पड़ता है। इस हमले में मौलवी साहब बुरी तरह घायल हुए, जिसके बाद अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल यहां उठता है कि महज डांटने पर एक 14 साल के बच्चे ने मौलवी पर जानलेवा हमला कैसे किया और क्यों किया? इस घटना के बाद मुस्लिम संगठन और धर्म गुरु सत्ते में। मदरसे में मौलवी साहब पर इस हमले के बाद एक और नैरेटिव भी सामने आया। हिंदू धर्म गुरु ने मदरसों के पाठ्यक्रम पर भी सवाल उठा दिए। जैसी शिक्षा देंगे वैसा ही करेगा बच्चा। अब वहां मारो काटो की अगर जो है उसको तालीम दी जा रही है, तो उसने अगर आड़ी चला दी तो कोई गुनाह नहीं करा, जो उससे सिखाया वही जा रहा है। और इन लोगों का तो भगवान ही मालिक है, जितना इनको समझाओ उतना ही ये आतंकवादियों वाली शिक्षाओं को और बढ़ावा दिया जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। हर घटना में हर एंगल से जांच जारी। फिलहाल शिकायत के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसी के तहत तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। Z News.